बिल्कुल सर, चूंकि आपने एक नाम लिया था तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का, और मुझे शायद लगता है आप सर ने वीडियो भी डाला हुआ है आपने, तो मुझे हाँ लगता जरा है मनीष कि जी, हाँ व्यूअर को मनीष वो जी, सुनाना जरूरी हाँ है। जरा पहले बता दूँ उसकी पृष्ठभूमि की। यहाँ दिखा दीजिए पहले मनीष जी, जरा इस पढ़ पढ़ दीजिए ऊपर से, समझ में आ ये जाएगा कह रहे, मनीष आपने लिखा है, जिस उदय स्टालिन के दिमाग में हिंदू और सनातन धर्म के विरोध का बुखार सवार है, वही बुखार उसके बाप और दादा पर भी सवार था, जिसे एक सनातनी मुख्यमंत्री ने उसे बुरी तरह से जमकर उतारा था, साथ ही साथ उसके चाटुकार खैरातियों की भी जमकर जुतियाते रही। और ये कौन इंटरव्यू ले रहा है, उस चिरकुट को भी जरा पहचान ले व्यूअर्स। जा सूर्य का मनी जी, गजब। People like you have made me so. You said that you were misunderstood. Yes. Do you think that you're badly treated by the press? I do not wish to say anything more on this. Anyway, your interview is not doing anything to help matters. My aim, Chief Minister, was to get to the core of the misunderstanding. You said that you Your think the aim press. seems to have been to put as many unpleasant questions as possible and try to provoke me. Not to provoke you, but to put to you the questions that have been discussed for the last 3 years, and which in many ways may be What responsible have you asked for all the your electoral questions? adversity. Have you got anything more to ask? I've come very close to the end of this interview. I have only one last question. Are you confident that you can see your electoral low point over with and that you will win in 2006? Wait and see. I told you already I don't believe in astrology. I can't predict what will happen in the next election. But you will be around, I suppose. Wait and see what happens. But is that a yes, you will win? I said wait and see. Chief Minister, a pleasure talking to you on Hard Talk India. I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste. I'm sorry to hear that. मुझे लगता है इस चिरकुट को इससे ज्यादा जलील किसी ने नहीं किया होगा। मैंने तो कभी किसी इसको ने नहीं देखा किया नहीं किसी, था आज तक। हाँ मुझे लगता किस, है इसे इससे ज्यादा जलील किसी ने नहीं किया होगा। ये 2006 के चुनाव से पहले पहुंचा था उसको जयललिता पर कीचड़ उछालने, तो जिस तरह से बेइज्जत किया है दर्शकों को, याद होगा कि जब वो नरेंद्र मोदी वाला इंटरव्यू खूब लगा था कि नरेंद्र मोदी ने मुझको बीच में से उठा दिया, ये वाला इंटरव्यू कभी नहीं बताता कि कभी नहीं जयललिता ने बताता, किस तरह से इसको मैंने भी मंडा, नहीं और देखा था पूरा ये पूरा इंटरव्यू। इंटरव्यू देखने लायक है। पूरे इंटरव्यू में इसको जुतियाती रही है, तो ये सब भी कट्टर हिंदू विरोधी सेकुलर ब्रिगेड है ये। तो एक मैंने कहा ना कि उसी तमिलनाडु में एक सनातनी महिला थी, और उससे पहले एम जी रामचंद्रन थे, उन्होंने तो 17 साल इन बाप बेटे और पोते इनको सबको नाक से पानी पिलाया, ये सांस नहीं ले पाए, कुत्ता बने रहे तमिलनाडु की राजनीति में 72 से 77। और दर्शक और भी जान लें कि एम जी रामचंद्रन की जो लोकप्रियता थी उसका सिर्फ एक कारण था कि मेरे ख्याल से एन टी रामा राव, या यही दो ऐसे हीरो हैं दक्षिण के जिन्होंने पूरा इनका फिल्मी कैरियर मैथोलॉजी की ही फिल्मों पे रहा, ये भगवान ही बनते रहे, उसी की वजह से इनकी छवि बन गई थी। जिस सनातन के खिलाफ ये कर रहा है उसी सनातन का केवल अभिनय करके एम जी रामचंद्रन 17 साल तक जूत बजाता रहा इन बाप बेटों के ऊपर, पूरे खानदान पे, और ये पानी नहीं मांग पाए। और उसके बाद जयललिता की जो छोड़ गए थे, तो जयललिता ने तो उस बुड्ढे को घसीटते हुए जैसे चोर गिरे कट होते हैं उस तरह से खिंचवाया था। तो एक जो दर्शकों को बड़ा यहाँ के तथाकथित सेकुलर और दिल्ली के दलाल एक सीन खींचते हैं कि दक्षिण में जो है वह एंटी रिलीजन या एंटी सनातन राजनीति है, वहां द्रविड़ी राजनीति है। तो द्रविड़ द्रविड़ नहीं, अभी आपको बताया जयललिता ने पूरा किया था 17 साल इनको मांगने, केवल एक वजह थी जो ये लोग सफल हुए थे। दर्शक ये भी समझने की जरा गंभीरता के, ताकि और स्थिति स्पष्ट हो जाए कि ये लोग केवल इसलिए सफल हो गए थे शुरुआती दौर में क्योंकि कांग्रेस का शासन था, और 20-25 साल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो उसके साथ साथ ये अपना एजेंडा चलाते थे। और जैसे ही एम जी रामचंद्रन सनातन का चेहरा बनकर आए, तो 17 साल बताया ना कि इनको भीख मांग भिखारियों की हैसियत में रहे राजनीति में, और उसके बाद जयललिता ने इनके साथ किया कि ज्यादातर लोगों को याद होगा। तो सनातन विरोधी कतई नहीं है दक्षिण, ये आप समझ लीजिए बिल्कुल। और वहां पर एक अभी तमिलनाडु में अन्नामलाई मेरे ख्याल से एक रिटायर्ड आईपीएस का उन्होंने रिटायर होकर कर रहे हैं, तो बढ़िया अलग जगह रहे हैं। 2024 में संभवतः आप लोगों को चौंकाएंगे। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि इसके बाप दादे तो आए सन 50 में, 50 के बाद आज समझिए 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उसमें एम जी रामचंद्र और जयललिता द्वारा जुटियाए जाते रहे हैं, जूता खो रहे हैं, सनातन सनातन विरोधी जूता खोरों में से एक ये भी हैं। लेकिन
आप कभी मनीष जी गौर कर ध्यान दे दर्शक कि उत्तर से अगर आप दक्षिण की तुलना करिए तो सनातन का जो भव्य रूप आपको दक्षिण में नजर आता है वो बिल्कुल, उत्तर में नहीं है, नहीं वो है। उत्तर में नहीं है और ये हजारों साल से है, हजारों साल से है, आज भी है। तो क्या कारण है इसका? मतलब वहां का पूरा समाज सनातनी है, एक इन्होंने एक वर्ग वहां तैयार किया उसमें वो जो सेकुलर वाले ज्यादा शामिल हो गए तो उसकी वजह से वहां पे राजनीति के अस्तित्व बनाए हुए हैं। तमिलनाडु के बाहर ये कभी निकल नहीं पाए और उसमें सबसे बड़ा जहर जो कांग्रेस ने फैलाया कि हिंदी विरोध के नाम पे इन्होंने एक तरह से और अन्य दलों को अप्रासंगिक कर दिया, तो अब वो धीरे धीरे उस पर काबू हो रहा। तो ये कोई बड़ा खतरा मैं नहीं मान रहा, लेकिन क्योंकि ये इसका आपराधिक आह्वान है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इस आदमी के खिलाफ तो NSA लग के इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, NSA इसके ऊपर लग करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम लोग चूंकि आज संडे था, कल सैटरडे था, दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट बंद था। वैसे सैटरडे संडे को भी सुप्रीम कोर्ट जब पिस्ता सी तलवार का मामला होता है तो नाच देखते हुए हमारे जज संज्ञान ले लेते हैं। आज इस पे भी संज्ञान उन्हें लेना चाहिए था, ये बात अलग हुई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मंडे ट्यूजडे को कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये मामला एक क्रिश्चियन द्वारा, स्टालिन एक क्रिश्चियन है और एक क्रिश्चियन के द्वारा एक दूसरे मजहब पर यदि आप करते हैं कि सीधे तौर पे NSA का मामला बनता है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।